अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की चाट। यह मैंने आधा किलो काले चने लिए और इसे 15 मिनट प्रेशर कुकर में पकाया। तकरीबन ऑलमोस्ट 15 मिनट ही लगे हैं तो पकाया। और यह आधा किलो चने लिए और यहाँ मैंने इमली, अब पानी, और ये मैंने कैसे बनाया, 1.5 कप लिया है पानी और 4 टेबल स्पून इमली और 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून मिर्च। इसे हमने चूल्हे पर रख लेना और जब एक कप रह जाएगा पानी तब उठा लेना और ठंडा कर लेना। और यहाँ 2 प्याज लिए हैं, बड़े बारीक काटे हैं, और 2 ही आलू बॉयल करके काटे हैं, और 4 सब्ज़ मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं, और एक चाट मसाला लिए है। और ये सारी चीज़ें हमारे दिया। अब ये देखिए चनों में मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी, ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, आलू वगैरह वगैरह जो मैंने रखा है। तो आपने, मैंने इसमें नमक भी डालूंगी, लास्ट में मैं नमक डालूंगी, आपने भी नमक डालना है। और मिर्च नहीं डालनी क्योंकि मिर्च मैंने इमली पानी में मिक्स कर ली थी, और चाट मसाला भी है तो अगर आप लाल मिर्च डालेंगे तो वो गले को चुभेंगी। तो चाट मसाला आप यूज़ कीजिए, अगर आपको स्पाइसी नहीं लग रहे, ज़रा चाट नहीं अच्छी लग रही, तो आप चाट मसाला यूज़ कीजिए। खट्टी सी चटपटी सी चाट तैयार है। कुछ इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं डली, जो घर में मौजूद होते हैं वही चीज़ें डली हैं, और बाहर भी ऐसी होती है, घर में बनाए तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।